प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे से पहले रायबरेली और अमेठी की सियासत होर्डिंग और पोस्टर के जरिए गर्म हो रही है। रायबरेली में आज बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी के खिलाफ होर्डिंग लगाकर अपनी पार्टी के नंबर बढ़ाने की कोशिश की, तो वहीं होर्डिंग से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे, होर्डिंग लगने से प्रियंका गांधी के को कुछ गलत कह देने थे, सूर्य के ऊपर थूकने से सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो थूकने वाले के ऊपर पड़ता है। रायबरेली की जनता जानती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिनका त्याग और बलिदान रहा जिसके परिवार का, उसके लिए ऐसे लोग जो निम्न स्तर की सोच रखते हैं चाहे वो जिस पार्टी के हों, वो बड़ा घृणित कार्य है। और जनता जान रही, जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं, थके हैं, हारे हैं, इनका कोई वजूद बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो रायबरेली में है उसको का तो कोई वजूद कभी रहा ही नहीं है। अब वो केवल प्रियंका, राहुल और सोनिया का नाम लेके उनको बदनाम करके, उनको अपशब्दों का प्रयोग करके केवल अपनी पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं बस। दरअसल बीजेपी के इन होर्डिंग में प्रियंका गांधी पर तंज कसा हुआ है। आप खुद ही देखिए चौराहों पर लगे इस होर्डिंग में कैसे प्रियंका गांधी के लिए कटु शब्द लिखे हुए हैं, जिसके बाद से इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया है। बहरहाल रायबरेली और अमेठी में राजनीति सियासत की बिसात बिछ चुकी है। देखना अब ये होगा कि ये पोस्टर वार कहां तक जाता है और जनता इसे किस नजरिए से लेती है। करुणा ठाकुर के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, रायबरेली।